बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप यू ऑल आर फाइन बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह सुबहाना व तआला। स्टूडेंट्स, वी आर स्टडिंग चैप्टर नंबर 2 एंड इफ़ यू रिमेंबर इन प्रीवियस क्लास वी हैव डिस्कस अबाउट द वेरिएबल। कैन यू टेल मी व्हाट आर द वेरिएबल? वेरी गुड, द वेरिएबल आर द नेम्ड मेमोरी लोकेशन। एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वेरिएबल वी हैव डिस्कस? We have discussed two main type of variable, numeric variable and string variable. If we talk about the numeric variable, there are more two types of numeric variable. A variable which can store the decimal part or variable which can store integer part. ठीक है, हमारे पास variable की भी मज़ीद numeric variable की अगर हम बात करते हैं तो और मज़ीद इसकी types आपके पास कौन सी होती हैं? आपके पास मज़ीद टाइप होती हैं के न्यूमेरिक वेरिएबल और फ्लोटिंग पॉइंट वेरिएबल। तो आज का जो टॉपिक है हमारा स्टूडेंट्स, दैट इज़ अबाउट द टाइप कन्वर्जन। टाइप कन्वर्जन मींस कि हम अपने प्रोग्राम में वेरिएबल तो हम एक टाइप का ले रहे हैं लेकिन उसके अंदर हम जो वैल्यू स्टोर करवा रहे हैं वो दूसरी टाइप की है। मींस कि हम कोई न्यूमेरिक वेरिएबल ले रहे हैं लेकिन न्यूमेरिक वेरिएबल के अंदर भी मज़ीद उसकी टाइप्स होती हैं। जैसे अगर मैं कोई इंटीजर टाइप ले रही हूँ और मैं उसके अंदर स्टोर करवा रही हूँ मैं फ्लोटिंग पॉइंट, तो ये जो रूल अप्लाई होता है दैट इज़ नॉन एज टाइप कन्वर्जन। व्हेन द प्रोग्राम ट्राइज टू स्टोर वन टाइप ऑफ न्यूमेरिक वेरिएबल टू द वेरिएबल ऑफ अनदर टाइप। ठीक है, न्यूमेरिक वेरिएबल की एक और टाइप में आपके पास क्या स्टोर करवा रहे हूँ हम लोग वैल्यू, जिट विल बेसिक परफॉर्म द टाइप कन्वर्जन अकॉर्डिंग टू फॉलोइंग लॉ। अब हम वो रूल्स पढ़ते हैं कि किसकी अकॉर्डिंग, किन रूल्स के अकॉर्डिंग वो वेरिएबल्स चेंज करता है जीरो बेसिक। अब जो फर्स्ट हमारे पास रूल है दैट इज़ इफ़ अ न्यूमेरिक कांस्टेंट ऑफ अ वन टाइप इज असाइन टू अ न्यूमेरिक वेरिएबल ऑफ द डिफरेंट टाइप। यानी कि हमने एक न्यूमेरिक कांस्टेंट ले लिया हमने कोई भी, ठीक है, उसको हमने असाइन कर दिया, जो वेरिएबल असाइन किया है उसकी टाइप डिफरेंट है। यानी कि जो हमने वैल्यू ली है वो डिफरेंट न्यूमेरिक वेरिएबल की है और जो हमने वेरिएबल लिया है वो डिफरेंट वेरिएबल के अकॉर्डिंग है। तो अब देखें, यहाँ पर हमारे पास एक एग्जांपल दी हुई है कि x पर्सन इज़ इक्वल्स टू 551.39। अब जो ये पर्सन का निशान है, ये पर्सन है हमारे पास, इस पर्सन को हम कहते हैं जब भी हम किसी वेरिएबल के साथ पर्सन का साइन लगा देते हैं तो ये किसका होता है, ये इंटीजर वेरिएबल्स के लिए होता है। ये याद रखिएगा आप लोग कि अगर हम किसी भी वेरिएबल के साथ हम पर्सन का साइन लगाते हैं तो इट शो कि वो वेरिएबल कौन सी टाइप है, वो इंटीजर वेरिएबल टाइप है। ये एमसीक्यू से भी आ सकता है, इसको अपने पास आप लोग नोट कर लें कि पर्सन, अगर किसी भी वेरिएबल के साथ हम पर्सन का मार्क लगा देते हैं इट शो कि इट्स अ इंटीजर वेरिएबल। अब इंटीजर में तो इंटीजर नंबर आने चाहिए, ऑब्वियसली स्टोर करना चाहिए, लेकिन हम आगे देखें तो उन्होंने 51.39, जबकि ये क्या है, फ्लोटिंग पॉइंट वेरिएबल। फ्लोटिंग पॉइंट क्या होता है, जिसके 15 पॉइंट होता है। अब हम एक इंटीजर वेरिएबल के अंदर हम एक फ्लोटिंग पॉइंट स्टोर करवा रहे हैं, जब जी डब्ल्यू बेसिक के पास कोई इस तरह की कंडीशन आ जाती है तो जी डब्ल्यू बेसिक उस नंबर को राउंड ऑफ करके उस नंबर को इंटीजर कंसीडर कर लेता है। आप देखेंगे, देखें हमने पर्सन एक्स हमने जब प्रिंट करवाया तो नीचे 51 आ गया। 51 क्यों आ गया, क्योंकि उसने इसको एज अ इंटीजर कंसीडर कर लिया। अगर ये 51.52 होता तो यहाँ पर वो आपको डिस्प्ले करवा देता 52, लेकिन क्योंकि वो वैल्यू राउंड ऑफ नहीं हो रही थी इसलिए उसने डेसिमल पार्ट को रिमूव करके यहाँ पर 51 दे दिया। ठीक है, को नंबर वन रूल हमारे पास क्या है कि अगर न्यूमेरिक कांस्टेंट की एक टाइप को हम असाइन करते हैं न्यूमेरिक वेरिएबल की डिफरेंट टाइप में तो वो वेरिएबल के अकॉर्डिंग उस टाइप को प्रिंट करेगा, उस वेरिएबल को कन्वर्ट करेगा। यानी कि यहाँ पर हमने इंटीजर टाइप ली थी तो उसने इस वैल्यू नंबर को भी किस में कंसीडर किया, इंटीजर टाइप में। हियर वी हैव अनदर एग्जांपल, ड्यूरिंग द एवोल्यूशन ऑफ द एक्सप्रेशन अरिथमेटिक और रिलेशन ऑल द ऑपरेंड आर कन्वर्टेड टू द डिग्री ऑफ प्रिस्क्रिप्शन ऑफ द मोस्ट प्रिस्क्राइब्ड ऑपरेंड। अब ये जो हैश का साइन है, हैश का साइन अगर किसी वेरिएबल के साथ ये नंबर का साइन हम यूज़ करते हैं इट शो कि इट इज़ सिंगल फ्लोर, सिंगल प्रिस्क्रिप्शन वेरिएबल। ठीक है, सिंगल प्रिस्क्राइब में क्या होता है कि हमारे पास जो वैल्यू लोकेट होती है उस वेरिएबल के अंदर जो नंबर स्टोर्ड होता है वो आपके पास होता है 8 डिजिट। ठीक हो गया,
तो ये आपके पास क्या करेगा, ये हमारे पास जब हम इस नंबर को डिवाइड कर देंगे तो ये डबल प्रिस्क्रिप्शन वेरिएबल के अकॉर्डिंग इसको प्रिंट कर देगा। क्यों प्रिंट करेगा, क्योंकि हम जब 12, अब देखो यहाँ पर लिखा हुआ है 12 नंबर डिवाइडेड बाय 3, यानी कि जब वो 12 को 13 से डिवाइड करेगा तो आप कैलकुलेटर भी इसको सॉल्व करके देखिएगा, आपके पास काफ़ी डिजिट्स आ जाएंगे पॉइंट के बाद, तो वो इन तमाम डिजिट्स को कन्वर्ट कर देगा वो उसके डिग्री के अकॉर्डिंग, यानी कि वो जितनी उसको लोकेशन मिली हुई होगी वो उसके अकॉर्डिंग उस पूरे वेरिएबल को यहाँ पर प्रिंट कर देगा। ठीक हो गया। थर्ड हमारे पास जो पॉइंट है, देखते थे द अर्थमेटिक इज परफॉर्म इन डबल प्रिस्क्रिप्शन एंड द रिजल्ट इज रिटर्न इन नंबर हैश एज अ डबल प्रिस्क्रिप्शन वेरिएबल। अब आपको मैंने बताया कि हमारे पास सिंगल हमने ए किया था, ए हमारे पास इंटीजर वैल्यू यानी कि सिंपल आपके पास न्यूमेरिक वेरिएबल होता है, जबकि हैश का साइन हम किसके लिए यूज़ करते हैं, है एक हैश का साइन हम यूज़ करते हैं डबल प्रिस्क्रिप्शन के लिए। तो अब यहाँ पर क्या करेगा, जब 12 को डिवाइड करेगा 13 से तो वो डबल में 17 डिजिट्स होते हैं और सिंगल में आपके पास 87 डिजिट्स होते हैं सिंगल प्रिस्क्रिप्शन वेरिएबल में। तो इसने क्या किया, इसने उसको राउंड ऑफ करके 8 डिजिट्स पर उसको आकर उसको लिख दिया कितने उन्होंने डिजिट्स दिए हैं, उन्होंने 7 डिजिट्स के अकॉर्डिंग लिखते हैं। 7 आपके पास मैक्सिमम डिजिट्स होते हैं जो सिंगल प्रिस्क्रिप्शन वेरिएबल में राइट किए जाते हैं। तो जब हम किसी भी अर्थमेटिक ऑपरेटर परफॉर्म कर रहे हों कोई भी, और उसका जो आंसर आएगा वो उसको किस में रिटर्न करेगा, सिंगल प्रिस्क्रिप्शन वेरिएबल में रिटर्न करेगा, यानी कि प्रिफेयर करेगा कि वो उसको सिंगल प्रिस्क्रिप्शन वेरिएबल में राउंड ऑफ करके प्रिंट कर देगा। ठीक हो गया। उसके बाद जो हमारे पास है, व्हेन अ फ्लोटिंग पॉइंट इज वैल्यू इज कन्वर्टेड टू द इंटीजर द फ्रैक्शनल पोर्शन इज राउंडेड ऑफ। अब उन्होंने कहा है कि हमने लिया है नंबर पर्सन इज इक्वल टू 23.67। अब उसने क्या किया, देखिए आप यहाँ पर देखें तो वैल्यू हमारे पास है फ्लोटिंग में यानी कि डेसिमल में, और जो हमने वेरिएबल दिया है वो हमने इंटीजर का दिया है। तो जब हम इसको प्रिंट करवाएंगे तो 23.67 है, तो ये इसको राउंड ऑफ करके क्या कर देगा, 24 कर देगा। इट्स मीन कि अगर हम किसी भी इंटीजर वेरिएबल के अंदर कोई भी फ्रैक्शनल पार्ट पोर्शन हम करवा रहे होंगे, स्टोर करवा रहे होंगे, और जब हम उसका आउटपुट चेक करेंगे तो वो क्या करेगा, वो उस फ्रैक्शनल पार्ट को क्या कर देगा, वो राउंड ऑफ कर देगा। ठीक हो गया। ये हमारे पास फोर्थ रूल हो गया। ये इस तमाम जो रूल्स हैं आप लोगों के MCQs के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे आपके पास ये क्वेश्चन आ सकता है बोर्ड में कि नम पर्सन इज इक्वल्स टू 23.67 और नीचे उन्होंने ऑप्शन दिए हुए होंगे कि बताएं इसमें स्टोर कौन सी वैल्यू होगी। तो आपको पता होना चाहिए कि जब भी हम किसी भी न्यूमेरिक वेरिएबल में हम कोई फ्रैक्शनल पार्ट यानी कि इंटीजर वेरिएबल में हम कोई फ्रैक्शनल पार्ट स्टोर करवा रहे होते हैं तो वो उसको क्या कर देता है, वो उसको राउंड ऑफ कर देता है। नेक्स्ट और वेरी इंपॉर्टेंट आपके पास पॉइंट है, अ स्ट्रिंग वैल्यू कैन नॉट बी असाइन टू अ न्यूमेरिक वैल्यू और अ न्यूमेरिक वैल्यू कैन नॉट बी असाइन टू अ स्ट्रिंग वैल्यू। अब जैसे हमारे पास स्ट्रिंग किस कैसे हमें पता चलेगा, स्ट्रिंग पता चलेगा कि अगर हम किसी वेरिएबल के साथ हम डॉलर साइन लगाते हैं। अब मैं ए के साथ डॉलर साइन लगा के मैं यहाँ पर दे दूँगी 2, ये स्टोर नहीं होगा क्योंकि ये आपके पास स्ट्रिंग वेरिएबल है और ये न्यूमेरिक है। ठीक है, तो ये इसके अंदर स्टोर नहीं हो सकता। सिमिलरली अगर मैं यूँ करती हूँ कि मैं दे देती हूँ ए इज़ इक्वल्स टू इन्वर्टेड कॉमास में दे देती हूँ एस, अब ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास कहलाएगा स्ट्रिंग कांस्टेंट और ये हमारे पास कहलाएगा न्यूमेरिक वेरिएबल। तो ये स्ट्रिंग को कभी भी न्यूमेरिक वेरिएबल के अंदर स्टोर नहीं करेगा। सो कंक्लूजन हमारे पास क्या हुआ कि स्ट्रिंग वेरिएबल होगा वो न्यूमेरिक वेरिएबल को अपने अंदर स्टोर नहीं करवाएगा, और ये भी कह सकते हैं कि अगर न्यूमेरिक वेरिएबल होगा तो वो अपने अंदर स्ट्रिंग वेरिएबल को स्ट्रिंग कांस्टेंट को स्टोर नहीं करवाएगा, यानी कि वो उसको एक्सेप्ट ही नहीं करेगा और आपके पास एरर आ जाएगा बेसिक में। ओके स्टूडेंट्स, नाउ इट्स टाइम टू लर्न योर द टॉपिक। ये आपका होम टास्क है, यू हैव टू लर्न टाइप कन्वर्जन। आपने तमाम जितने भी रूल्स हैं उनको रिवाइज करना है, उनको मेमोराइज करना है सो कि आप लोगों को आखिर में प्रॉब्लम ना हो। दिस टाइप कन्वर्जन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको जब आउटपुट किसी की मालूम करनी होती है तो आपकी टाइप कन्वर्जन उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, सो यू हैव टू लर्न टाइप कन्वर्जन एंड ऑल रूल्स विच वी हैव डिस्कस्ड इन टूडेज़ लेसन। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अगले लेक्चर के साथ फिर मिलते हैं। फ़ी अमानिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।